सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग जो पाकिस्तान में मुझे देख रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर, सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। और आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही ईजी रेसिपी, जो कि बहुत दिनों से मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और वो बनेगी बहुत ही थोड़े से, बल्कि दो इन्ग्रीडियंट से, जो कि है ये चिकन और सिर्फ ऑयल। चिकन को हमने तो, हाँ सब पहले तो मैं बताऊं कि मैं बनाने क्या लगी हूँ। तो हाँ जी, हम बनाएंगे आज जर्सी टिक्का। अच्छा, मैं इसकी थोड़ी सी स्टोरी भी शेयर करना चाहूँगी कि मैं बहुत हैरान होती थी कि भाई ये जर्सी टिक्का जो है वो इसके मामला क्या है। लेकिन जब मैंने इसका सारी इसकी मालूमात ली तो ये पता चला कि जी ये कोई पेशावर में, ये तो मुझे मालूम था खैर कि ये पेशावर में, इसका मेन जो है वो पेशावर में ही है जर्सी टिक्का का जो ये है सेटअप। तो था कुछ इस तरह कि जो ये एक्चुअली ये दुम्बे के गोश्त से बनाया जाता था ये जो टिक्का है, और दुम्बे के गोश्त की जो दुकान थी जिसका जो ऑनर था वो थोड़ा सा चर्स वर्स का वो खैर करता था, तो इसलिए वो चर्सी शॉप मशहूर हो गई कि ये चर्सी की दुकान है। और इस तरह से वो टिक्का भी जो था, जो उसके लेके जाते थे लोग टिक्के के लिए गोश्त, वो भी जर्सी टिक्का के नाम से मशहूर हो गए। तो ये तो थी इसकी थोड़ी सी स्टोरी। तो अब हम शुरू करते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत मज़ेदार लगा था मुझे भी जब मैंने ये खाया। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें ये वो किया है कि मैंने इसको किया है, एक दो टेबल स्पून विनीगर लिया है उससे, और थोड़े से नमक के साथ इसको मैरिनेट करके रख देना है एक दो घंटे के लिए। और सिर्फ हमें चाहिए ये ऑयल, बस और कुछ नहीं। तो चलिए अब हम बनाते हैं कि ये किस तरह से हमने करना है। अच्छा, वैसे ये जो है आप सीखों पर भी बना सकते हैं, तो उसके लिए कोयले की अंगीठी भी आपको सुलगानी पड़ेगी। जाहिर सी बात है कोयला, कोयले पर ही हम इसको सेकेंगे सीखों को। लेकिन हम बहुत, मैं तो बहुत इसको इजी तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि बहुत आराम से जब हमें दिल चाहे हम बना लें अपने किचन में, और फिर जो है वो हम इसको सर्व करें। दावत में भी बना सकते हैं किसी की। तो हमने ऑयल लिया है, पैन लिया है, एक ऑयल इसमें सारा हमने फैला कर डाल देना है ये बस थोड़ा सा, और देखते हैं अब ये गर्म हो गया है। मैंने इसलिए ये पैन लिया कि मैं अक्सर इसमें तिक्के शिक्के बनाती हूँ, तो मैंने इसलिए ये पैन ले लिया है। वैसे मैं जो वुडन स्टिक्स होती हैं उसमें भी लगाकर हम इसमें बना सकते हैं। बहरहाल मैं बहुत ही ईजी वे ले रही हूँ। और ये इसके लिए हमने क्या करना है कि ये चिकन जो है ये बोनलेस भी है, और मीन्स कि ये मिक्स है, बोनलेस और दूसरा आप मिक्स ले सकते हैं, ये इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसमें ये ऐड करते हैं। फ्लेम हमने थोड़ा कम ही रखना है, बहुत ज़्यादा फ्लेम नहीं करना है, बस इसको हमने सारा अच्छी तरह से ऐड कर दिया। बस अब हमने इसको खूब अच्छा सा दोनों साइड से फ्राई करना है। थोड़ी सी आँच अब हम तेज़ करेंगे, थोड़ा सा ऑयल भी हम इसमें ऐड करेंगे, और बस हम इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। अच्छा, ये देखें कितने खूबसूरत ये टिक्के जो हैं हमारे बन रहे हैं, बहुत प्यारी सी स्मेल आ रही है। अच्छा, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी अभी ज्वाइन किया है, यानी कि बिल्कुल दरमियान से वीडियो देखनी शुरू की है, तो वो लास्ट तक जरूर देखें, बल्कि स्टार्ट से शुरू करें और लास्ट तक देखें। अच्छा, ये बिल्कुल पेशावर की नमक मंडी के जो मिसार का चक्की टिक्का है, हम बिल्कुल ही वैसे तैयार कर रहे हैं, लेकिन बहुत ईजी तरीके से, क्योंकि ना हमने इसके लिए अंगीठी कोयलों की बनाई है और ये सिल्कों पर भी नहीं लगाए। लेकिन अगर आप वैसे भी बनाएंगे तो ये इंशाल्लाह वैसे ही इसका टेस्ट आएगा, और अगर इस तरीके से बनाएंगे तब भी इसका टेस्ट वैसे ही आएगा। तो अगर आप इसको कोयले का धुआं लगा दें तो
उससे भी बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा कोयले का। लेकिन हम ऐसे ही बना रहे हैं तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। और एक्चुअली ये दुम्बे के गोश्त से ही बनते हैं या बकरे के गोश्त से, तो अगर आप दुम्बे या बकरे का गोश्त से बना रहे हैं तो फिर आप उसको पहले बॉयल करें नमक का पानी, नमक का पानी में, और फिर उसको इस तरीके से बॉयल करने के बाद जब वो गल जाए तो फिर इस तरीके से उसको फ्राई करें। अदरवाइज अगर आप चिकन का बना रहे हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से आप मैरिनेट कर लें सिरके में एक दो घंटे के लिए और नमक से, और फिर इस तरह से फ्राई कर लें। तो ये हो गए अब हमारे बिल्कुल तैयार, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से इनका कलर भी आ गया। और अब हम देखते हैं एक दो मिनट बस में इसको और रखूँगी इसी तरह, और कलर इसका होना चाहिए ऐसे ही, और टेस्ट इसका बिल्कुल है वैसे ही जैसे कि निसार का चटनी दिखता है। तो ये हो गया हमारा तैयार। तो ये हमने डिश आउट कर दिया है, ये बिल्कुल निसार का चरसी टिक्का जैसा बिल्कुल हमने बनाया है घर पर। और आप लोग भी अपने चिकन से ये बनाइएगा, अपने आराम से ये इजी से बन जाएगा, इतनी इजी तरीके से ये बनने का कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, और लाइक ज़रूर किया कीजिए, ज़रूर किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और शेयर कीजिए ये रेसिपी सबके साथ। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर शेयर करें सबके साथ, और इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।